हर दौर का अपना यजीद होता है। आज का यजीद अमरीकी साजिश से हुकूमत में लाया गया। आज पाकिस्तान यजीदियत के निगे में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। बाबर अवान से मुलाकात में बोले कि हुकूमत कुछ भी कर ले फौरी इंतखाबात को नहीं रोक सकती, जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। 13 अगस्त का जलसा आगाज इनकलाब होगा। मई को जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जाहिर है कि वो हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे इलेक्शन कैंप का भी। हमने वादा किया हुआ है लोगों से कि वो जो लोग जिन्होंने गलतियां की हैं वो भुगतेंगे। 25 मई के हिसाब का वक्त आ गया। पंजाब हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है राणा सनाउल्ला और अता तारर तावुन करेंगे। 25 मई को जिसने जो किया उसका खुमियाजा भुगतना होगा। शहबाज गिल बोले कि राणा सनाउल्ला को JIT के सामने पेश होना पड़ेगा, अगर पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ को अहल बनाने के लिए कानून साजी होगी। लंदन में नून लीग के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की वापसी, इलेक्शन, इस हमलों की मुद्दत समेत अहम मौजूद पर मुशावरत। क़यादत ने नवाज शरीफ को फौरी वतन वापस न आने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कराया जाए। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला, 10 मुहर्रम के बाद चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। सवाल किया कि नून लीग के अकाउंट्स में पैसा कहां से आया, कोई रिकॉर्ड नहीं। फजल रहमान की जमात लिबिया की फंडिंग पर चल रही है। 15 रोज में पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। राणा सनाउल्ला फिर आप इस बार PTI से जाते इनात खुलकर सामने आ गया। बोले तहकीकात में तावुन ना करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते हैं। वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर बेजाबतियां। इलेक्शन कमीशन का नादरा और लोकल गवर्नमेंट से मिलकर इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला और रीजनल अफसरान मुलाजमीन की छुट्टियां बंद कर दी। फौतशुदा अफराद का डाटा चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन माफ़ी मांगे वरना हत्या की इज्जत के केसेस दायर करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हत्या की इज्जत का नोटिस। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दौरे शहरियत वालों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया, इकदाम से तौहीन हुई। N157 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब। भाई की सीट पर बहन इलेक्शन लड़ेगी। PTI ने ज़ैन कुरैशी की खाली नशिस्त पर मेहरबानों को टिकट दे दिया। PDM की 14 जमातें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को सपोर्ट करेंगी। पोलिंग 11 सितंबर को होगी। और जश्न आज़ादी के रंग बनाए बोल के संग हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें 0337-01-0377 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।